गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रकाश प्रीवेटी आई टी आप ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। हमारा कौन सा टॉपिक था? त्रिकोणमिति। मैं रामेश्वर चौधरी एक बार फिर से आपके मैथमेटिक्स की क्लास लेके त्रिकोणमिति हमने पिछली क्लास में स्टार्ट की थी। ठीक है, जो पिछली कुछ क्लासों में हमने त्रिकोणमिति चल रही है। अब हमारा जो पहले हमने क्या पढ़ा था त्रिकोणमिति के बारे में, अनुपातों के बारे में, उसके बारे में पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हमने क्या कोणों के मान निकालना स्टार्ट किया था। भाई कैसे मान आता है, कैसे निकालते, तो उसमें क्या था भाई, मान में क्या है कि भाई जो जीरो डिग्री वाला हमने क्या पूरा पढ़ लिया भाई, कैसे कैसे निकालते उसमें, कैसे कैसे उसमें काम कर। ठीक है, जीरो साइन जीरो आ गया, कोस जीरो आ गया, टेन जीरो, कोण जीरो, सेक जीरो, कोसेक जीरो। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में 30 डिग्री कोण अनुपात के बारे में, 30 के 45, 60 और 90 डिग्री कोण, जहां तक जीरो से लेकर 90 डिग्री के मान हम क्या जो फिक्स मान होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये 30 डिग्री का मान कैसे निकालोगे, वो किस जैसे साइन 30 का मान पूछ ले उसमें, कोस 30 का मान। अब जैसे ये मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को बनाने कैसे बनाते हैं वो चीजें रहेंगी। ये अगर आप रटोगे तो आपको याद नहीं होंगे। उसमें क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो भाई, साइन 30 का, सेक 30 का, कोसेक 30 का, टेन 30 का, कोण 30 का, किसी भी का भी वो मान पूछ सकता है। ठीक है, आज हम 30 डिग्री का चल रहा है सबसे पहले, उसके बाद 45, उसके बाद 60, फिर 90 के बाद। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, 30 डिग्री का कोण कैसे मान निकालेंगे। हमने कल 0 डिग्री का मान निकाल लिया, आज हम 30 डिग्री का किस हिसाब से निकालोगे, वही समकोण त्रिभुज के बारे में और उस हिसाब। तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री का डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, क्या बना रहा हूँ, 30 डिग्री का डायग्राम। तो मैं यहाँ से 30 डिग्री का डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा कोण क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया क्या, 90 डिग्री का। मैंने इसको क्या दे दिया, ए क्या दे दिया, इसको ए दे दिया, उसको मैंने बी दे दिया, इसको मैंने सी दे दिया। ठीक है, ये चीज आगे समझ में आ गई। मैंने माना, यहां पे लिख रहा हूं माना त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण ए बराबर 30 डिग्री लिया मैंने। ठीक है, कोण 90 डिग्री क्या ले लिया, कोण बी बराबर क्या ले लिया मैंने, 30 डिग्री, और कोण ए बराबर क्या ले लिया मैंने, 90 डिग्री। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब जो ये वाली लाइन सी बी, जो सी बी को मैं इस प्रकार आगे बढ़ाता हूं कि इस प्रकार आगे बढ़ाता हूं कि ये कि सी बी बराबर सी डू बी डी हो जाए और ए डी को मिलाते। ठीक है, मैंने क्या लिखा, माना ए बी सी क्या मैंने, ये तो मैंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या, अब सी बी को इस प्रकार आगे बढ़ाता हूं कि सी बी बराबर क्या हो जाए, बी डी, मतलब जो ये वाली लाइन है वो मैं ये वाली लाइन यहां तक बढ़ा दूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर, और ए डी को मिलाया, ए डी को मिलाया। ठीक है, तो ये वाला दोनों बराबर हुआ और ये कोण भी क्या हो गया, बराबर। अब इसमें देखो ये आगे चीज है, बी सी बराबर क्या हो गया, बी डी, मैंने बी सी बराबर क्या लिख दिया, बी डी, या सी बी बराबर बी डी, एक ही बात है, क्योंकि मेरे को दोनों लाइनें क्या कर दी, बराबर कर दी। आगे चीज समझ में, और ए डी को मैंने मिला दिया। अब मेरे पास दो त्रिभुज हो गए, कौन कौन सा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे क्या चीज होती है, क्या चीज है इसमें, क्या क्या चीज है, ये देखो, अगर बी सी बराबर बी डी है, क्या है, बी सी बराबर क्या है, बी डी है, बी सी बराबर बी डी, और ये जो ए बी, जो ए बी है वो क्या हो गई, उभयनिष्ठ, ए बी रेखा क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई,
उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब हो गए समान है दोनों त्रिभुजों की। ए बी रेखा क्या है, दोनों त्रिभुजों की क्या है, समान है। ए बी रेखा क्या है, ये समान है दोनों त्रिभुजों की, ठीक है। अब क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है, और ये दोनों ये रेखा उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो दो भुजाएं और इनके बीच का कोण तुल्य हो, दो भुजाएं और इनका बीच कोण, इनके बीच का कोण क्या हो, तुल्य, तो वो क्या होता है, त्रिभुज सर्वांग सम होता है। क्या होता है, सर्वांग सम, क्या होता है, सर्वांग सम। और अगर मैं एसी, अगर सर्वांग सम हो गया वो त्रिभुज, तो मैं एसी बराबर एडी लिख सकता हूं उसको। सर्वांग सम का मतलब बिल्कुल नगण्य का मतलब बराबर हो, समान हो गए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एसी बराबर इसको क्या एडी लिखते हैं, मेरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या त्रिभुज क्या हो जाएगा, संभव त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, संभव त्रिभुज। अगर संभव त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो मेरे पास ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा आ गई, उसके बाद मैं इसको आधी कर दिया, और फिर मेरे पास इसका मान निकाल दिया, क्या जाएगा मेरा, साइन थीटा का मान। तो मैंने क्या क्या बोला, वो चीजें देखो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उभयनिष्ठ रेखा हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, उभयनिष्ठ कोण बी कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, 90 डिग्री। तो त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी हो गया। क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए बी। मतलब इसके अंदर मैं यहां पे ना लिख रहा हूं, उस चीज समझ लो, दो भुजाओं वह इनके दो भुजाओं वह इनके बीच का कोण तुल्य होने पर त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। ये वाली लाइन देखो, दो भुजाओं के बीच के कोण तुल्य होने पर त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। क्या हो गया, सर्वांग सम। दो भुजाओं का इनके बीच का कोण तुल्य होने पर त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। तो फिर सर्वांग सम हो गया। अब मैं इसमें आगे ऐसे लिख रहा हूं, जब ये सर्वांग सम हो गया तो मैं इसको इसलिए AC बराबर AD लिख सकता हूं क्या, AC बराबर AD लिख दिया मैंने, AC बराबर AD लिख दिया। अब AD लिखते क्या हो गया, मेरा AD लिखते क्या हो गया, दो भुजाओं के क्या हो गया, त्रिभुज AC बराबर क्या, AC बराबर में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा में क्या कर दिया, बराबर हो गया, क्यों, त्रिभुज मेरा क्या हो गया, दोनों भुजा तो पहले बराबर है और ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, भाई ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर, ये उभयनिष्ठ, तो मैं इसको बराबर लेते क्या हो गया, त्रिभुज संभव त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, त्रिभुज ए, अब पूरा लेना, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, संभव त्रिभुज क्या हो गया, ए त्रिभुज एबीसीडी क्या हो गया, संभव त्रिभुज हो गया। अब मैंने इसको माना एक्स है, इसको माना मैंने x है, और इसको भी मैंने क्या माना x है, तो ये मैं अगर पूरी x है तो ये वाली x राइट हो जाएगी और ये वाली x राइट हो जाएगी। आगे चीज आप इधर देख लो, माना AC बराबर x है और AD बराबर x है, तो मेरा क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, x बाई टू। आगे चीज AC बराबर x है, क्या हो गया, CD बराबर x by 2 हो गया, BC लिख लो, एक ही बात है, क्या आगे चीज समझ में। तो AB, अब मेरे को AB निकालना, AB किससे निकालोगे, पाइथागोरस पर में लगाओ त्रिभुज में, किस वाले त्रिभुज में, AC ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परमेय से। अब पाइथागोरस परमेय लगा दी मैंने,
तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, क्या हो जाएगा मेरा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मेरा आधार हो गया। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर क्या मेरा, इसको मैंने जान लिया एक्स स्क्वायर हो गया बराबर क्या हो गया उसके बाद एक्स बाय टू का होल स्क्वायर हो गया प्लस ए बी मेरा का ऐसा ऐसा आ गया। अब मैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर। आगे ये चीज समझ में, अब ए बी स्क्वायर बराबर हो गया चार का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय चार। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया एलसीएम, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तीन एक्स स्क्वायर बटा चार और ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट तीन बटा दो एक्स। ये वाली चीज ध्यान से रखना, आगे नहीं बताऊंगा डिटेल से, आगे डायरेक्ट करूंगा क्वेश्चन शॉर्ट करूंगा, इसलिए ये चीजें देखना भाई ये कहां से आ गया। तो मेरा ए बी का मान क्या आ गया रूट तीन बटा दो एक्स आ गया, ए बी का मान क्या आ गया मेरा रूट तीन बटा दो एक्स। अब मैं साइन का मान कोस का मान टेन का मान कोट का मान से का मान और कोसे का मान छह के छह मान एक साथ बता रहा हूं, ये चीजें समझ लेना। आ गया ये वाली चीज पाइथागोरस प्रमेय। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा के अभी यहाँ पे मान बताता हूँ भाई, साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा कोस थीटा का मान, अब वो अनुपात निकलेगा क्यों मेरे तीनों को जाए मान है तो कोई सा भी वो दे दो मेरे को तो ऑप्शन तो मेरा मान आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है मेरा लंब बटा करण, तो लंब बटा करण क्या है मेरा यहाँ पे लंब क्या है और करण क्या है आधार क्या है मान आ गए तीनों के। तो यहाँ पे देखो साइन तीस का मान, साइन तीस का मान तीस डिग्री का मान मैंने क्या निकाला था लंब बटा करण लाल, मतलब के ऐसे जो मैंने लाल बटा पक्का लिखा था। ठीक है, अब मेरा लंब कौन सा है इसमें देखो, ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार होगा और ये मेरा करण हो गया, तो मेरा लंब कौन सा हो गया यहाँ पे एक्स बाई टू और करण कौन सा हो गया x, तो x से तरफ से गया sin θ का मान क्या आ गया 1 बटा 2, क्या आ गया sin θ का मान 1 बटा 2। अगर मैं यहां पे ऐसे cos θ का मान लिखूं, cos θ मान क्या होता है cos θ का मान आधार बटा करण, क्या होता है आधार बटा करण रूट तीन बटा दो इंटू एक्स बटा एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया तो क्या आ गया रूट तीन बटा दो, ये मेरा cos θ का मान आ गया, क्या आ गया मेरा ये cos θ का मान। इसके बाद मेरा tan θ का मान, tan का तो आप दो तरीके से लिख सकते हो sin बटा cos कर दो या लंब बटा आधार, लंब कौन सा मेरा ये आधार कौन सा ये, तो लंब क्या हो गया x by 2 आधार क्या हो गया root 3 x by 2, क्या हो गया root 3 by 2 x से x कट गया 2 से 2 क्या बच गया मेरा 1 upon root 3 आ गया, ये मेरा tan का मान आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं cot 30 का मान, किसका cot 30 का मान, cot 30 का मान कैसे निकलेगा tan का उल्टा हो जाएगा tan का उल्टा, तो cos 30 का मान क्या हो गया root 3। ठीक है, और sec का 30 का मान क्या हो जाएगा cos का उल्टा हो जाएगा 2 बटा root 3 हो जाएगा, और कोसेक का क्या हो जाएगा कोसेक का क्या हो जाएगा साइन का उल्टा हो जाएगा, दो मान आ गए तो मेरे ये छह के छह मान आ गए, छह के छह मेरे मान आ गए। मेरा साइन और तीस का निकलने के बाद में तो सबका निकाल सकता हूं, कैसे साइन का आ गया कोस का आ गया टेन का आ गया, तो ये मेरे 30 डिग्री का मामला समाप्त होता है। अब आगे हम चलते हैं 45 डिग्री के ऊपर, तो ये चीजें समझ में आ गई 30 डिग्री वाली कैसे कैसे आई, इसको उतार लेना एक बार ढंग से, अभी चाहे वीडियो को कैसे भी आप देखो चाहे रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेके, ना समझ में आए तो कमेंट मारो और कॉलेज में आके संपर्क करो, आपको चीजें बिल्कुल समझ में आएगी। अब हम चलते हैं 45 डिग्री के कोण के ऊपर, अब 45 डिग्री के ऊपर चलते हैं 45 डिग्री के, आप ये बताओ मेरे को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री, अगर एक कोण में 90 डिग्री का लेता हूं तो दूसरा कोण तीसरा कोण क्या क्या होगा, या तो 30 होगा या 60 होगा या 45 45 भी हो सकता है क्या भाई, 45 45 भी हो सकता है क्या, ये कोण ये मैं पूछ रहा हूं भाई, ये चीजें तीनों कोणों का योग क्या हो गया 180
तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, 45-45 भी हो सकता है क्या, 75-15 भी हो सकता है क्या, तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एक कोण बड़ा हुआ एक कोण छोटा, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों बराबर भी। आगे चीज समझ में। तो अब इसके आगे हम चलते हैं किस पे, टेन पे, वो सॉरी 45 डिग्री कोण के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर चलते हैं? 45 डिग्री के। 45 डिग्री के मान के ऊपर हम सबसे बेस्ट, बिल्कुल सरल है, ज्यादा इससे हार्ड नहीं, सबसे ज्यादा 30 डिग्री और 60 डिग्री का हार्ड होता है, और कोई हार्ड नहीं। तो ये 30 डिग्री का हो गया। अब हम चलते हैं किसके ऊपर? 45 डिग्री कोण के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं? 45 डिग्री वाले। 45 डिग्री कैसे कैसे मान निकलेगा, ये चीजें हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, चलते हैं हम आगे। और दोस्तों पढ़ते रहना आगे, कंपटीशन के एग्जाम स्टार्ट हो गए और आपके आईटीआई वालों के भी एग्जाम अभी शुरू होने वाले अगले महीने में, ठीक है? तो ये चीजें ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन आएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 45 डिग्री का, क्या लिख रहा हूँ, मेरा 30 डिग्री का हो गया, अब मैं लिख रहा हूँ 45 डिग्री का, मैंने लिख दिया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, ये चीजें, पहले तो मैंने 30 का लिया, पहले 0 फिर 30, अब हम क्या ले रहे हैं, 45 डिग्री। क्या ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं भाई लोगों, 45 डिग्री। ये मेरा क्या हो गया, 45 डिग्री का मान, थोड़ा सा गलत, ये हो गया मेरा 90 डिग्री और ये हो गया मेरा 45 डिग्री, ठीक है? अब इधर देखो, अगर एक चीज बताओ मेरे को, जब दोनों कोण 45 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। जब एक कोण 90 का और एक कोण 45 का, दूसरा कोण क्या हो जाएगा अपने आप ही, माना मैंने लिखा, माना त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री और कोण सी ए बी बराबर क्या लिख दिया मैंने, 45 डिग्री, ठीक है? आगे चीज ये समझ में। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं त्रिभुज, कोण लिख रहा हूं मैं तीनों, देखो आगे देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, त्रिकोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण सी ए बी बराबर 180। आगे ये चीज समझ में, तो कोण ए बी सी कौन सा है, कोण ए बी सी तो 90 डिग्री, प्लस कोण ए सी को मेरे को निकालना है, कोण ए सी भी मेरे पास है नहीं, और कोण सी है 45 डिग्री, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, कोण ए सी बी बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 135 बराबर 45 डिग्री। तो ये मान मेरा क्या आ गया, 45 डिग्री। क्या आ गया, तो कोण ए सी बी बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री। क्या आ गया ये मेरा, क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है? अब 45 डिग्री आ गया, मैंने क्या माना, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, तो क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण 45 का है तो मेरा क्या हो जाएगा, दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। इस चीज का ध्यान रखना, दोनों कोण बराबर है तो दो भुजाएं बराबर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, ठीक है? अब मैंने ए बी बराबर इन दोनों को मान लिया x, तो मेरा इससे क्या हो जाएगा, ये वाला मान निकालना पड़ेगा मेरे को, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, मैंने अभी पिछले 30 डिग्री वाले में बताया, तो मैं यहां पे डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय से x² प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, क्यों,
ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया करण, मेरे को निकालना है। तो ये करण निकालने में तो करण क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और AC बराबर क्या हो जाएगा रूट 2x। तो मेरा AC क्या आ गया रूट 2x आ गया। क्या आ गया मेरा AC रूट 2x आ गया। आ गए ये चीजें समझ में भाई, ये क्या क्या चीज आई, रूट 2 कैसे आया, x x कैसे आया 45 डिग्री का, दो दो कोण बराबर है तो दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो मेरा क्या हो गया ये x हो गया, ये x हो गया, तो क्या हो गया रूट 2x हो गया। अब मैं यहाँ पे मान निकालता हूँ, किस किस के मान निकालता हूँ, साइन 45 कोस 45 और टेन 45 का मान। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ साइन 45 का मान, वही लाल बटा टक्का से साइन 45 का मान क्या होता है लंब बटा करण, लंब बटा करण। तो लंब का क्या है मेरा x, लंब क्या है मेरा x, करण क्या है। अब मेरा किसका मान निकालना, मेरे को किसका मान निकालना है लंब बटा करण, किसका मान निकालना है लंब बटा करण। तो लंब क्या मेरा x, करण क्या आ गया रूट टू एक्स, तो एक्स एक्स कट गया क्या हो गया 1/√2। ये मेरा साइन 45 का मान हो गया। अब मैं निकाल रहा हूं कोस 45 का मान, तो कोस 45 का मान क्या हो जाएगा आधार, आधार क्या मेरा x बटा करण रूट टू एक्स। तो ये ध्यान रखना कोस 45 और साइन 45 का मान सेम होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। किसका मान होता है साइन 45 और कोस 45 का मान 1/√2, 1/√2 होता है, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं टेन 45 का मान, तो टेन 45 का मान या तो साइन बटा कोस कर लो और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब क्या मेरा एक्स है आधार क्या है एक्स है, तो क्या हो जाएगा 1। टेन 45 का मान भी क्या हो जाएगा 1 और कोस 45 का मान क्या हो जाएगा इसका उल्टा 1, ठीक है, इसका उल्टा होता है वो भी 1 का 1 उल्टा क्या हुआ 1। अब मैं निकाल रहा हूं sin 45 का मान, तो sin 45 का मान क्या हो जाएगा cos का उल्टा √2 और cos 45 का मान क्या हो जाएगा sin का उल्टा तो √2। तो इस चीज का ध्यान रखना sin 45 और cos 45 का मान 1/√2 और tan और cot का मान 45 का मान क्या होता है 1 और sec और cos का मान क्या होता है √2 होता है। तो ये चीज आगे चीज आगे बात समझ में। देखो दोस्तों देख इसमें 45 में सबसे इजी है मान निकालने का, क्यों इसमें एक अगर 45 का दूसरा भी 45 का, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। तो मेरा एक कोण 45 दूसरा 45, तो मेरी दो भुजाएं क्या हो गई बराबर हो गई। तो मैंने क्या माना x मान लिया, इसको x मान लिया, फिर उसके बाद करण निकाल लिया रूट एक्स स्क्वायर हो गया रूट टू एक्स हो गया। उसके बाद मेरा साइन क्या होता है लंब बटा करण होता है, क्या होता है लंब बटा करण, फिर क्या हो गया कोस 45 आधार बटा करण, ये क्या होता है लंब बटा आधार, इसके क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, ये कोस से क्या हो जाएगा कोस का उल्टा हो जाएगा और उसके बाद कोस से क्या साइन का उल्टा हो जाएगा। तो ये मैंने क्या माना 45 डिग्री के मान निकल। अब मैं आगे हमारा कौन सा आएगा 60 डिग्री और किसका 90 डिग्री का, वो हम क्या करेंगे अगले वीडियो में बनाएंगे। आज हमने 30 और 45 के बारे में पढ़ा, इन दोनों का ध्यान से पढ़ना दोस्तों। फिर हम क्या करेंगे इसकी एक सारणी बनाएंगे, उस सारणी में हम सब मान एक साथ कैसे कैसे आएंगे, कैसे सारणी बनाना आती है वो हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद भाई लोगों, और आगे हम फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।